नमस्कार, मैं विपिन चौधरी और आप देख रहे हैं BHBC न्यूज़। फीस बढ़ोतरी और कई दूसरे मुद्दों को लेकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों की नाराजगी की यह वजह है कि यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी तरफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने बड़े ही चाक चौबंद इंतजाम किए थे। देखिए खास रिपोर्ट। फीस में इजाफे समेत कई मुद्दों पर बीते कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU के छात्र दिल्ली की सड़कों पर उतर आए। यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को परिसर से बाहर आयोजित किए जाने से भी छात्र नाराज हैं। फीस में इजाफे और दीक्षांत समारोह के विरोध में छात्रों ने यूनिवर्सिटी से लेकर वसंत कुंज स्थित कार्यक्रम स्थल तक विरोध मार्च निकाला, जिस दौरान जमकर हंगामा हुआ। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा बेहद कड़ी की गई थी, बावजूद इसके छात्र का आक्रोश बढ़ता ही चला गया और फिर छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जबकि उनके साथ मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी वहाँ मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह के दिन सुबह 8 बजे ही छात्र यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग पर जमा हुए और वहाँ से कार्यक्रम स्थल तक मार्च शुरू कर दिया। गौरतलब है कि इस आंदोलन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP, ISA, AISF और SFI सभी छात्र संगठनों ने हिस्सा लिया। आंदोलनकारी छात्रों के मुताबिक वे पिछले 15 दिनों से फीस में इजाफे का विरोध कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में कम से कम 40% छात्र ऐसे हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं। आखिर ये छात्र कैसे अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे? छात्रों का ये भी साफ कहना है कि उन्हें बिना सस्ती एजुकेशन के दीक्षांत समारोह मंजूर नहीं है। चल, फीस से बढ़ोतरी का मामला यूनिवर्सिटी में काफ़ी आगे जा चुका है और अब तक कोई हल नहीं निकला है। बता दें कि इस बार कैंपस के ऑडिटोरियम में जगह की कमी बताते हुए JNU प्रशासन ने दीक्षांत समारोह यूनिवर्सिटी से बाहर वसंत कुंज में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTI ऑडिटोरियम में रखा था। JNU प्रशासन के मुताबिक JNU के किसी भी ऑडिटोरियम में 300 से ज़्यादा सीटें नहीं हैं। इस वजह से इस बार दीक्षांत समारोह बाहर रखना पड़ा, क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा थी। उनके साथ उनके पेरेंट्स भी पहुँचे और जहां समारोह रखा गया था वहां करीब 800 सीटें थीं। अब जबकि जहां छात्र बढ़ी फीस और कैंपस से बाहर दीक्षांत समारोह के आयोजन को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं, तो वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन इन दोनों मुद्दों को लेकर अपना अलग ही तर्क दे रहा है। ऐसे में इस बात पर सभी की निगाहें होंगी कि छात्रों की इस नाराज़गी को, कम से कम बढ़ी हुई फीस को लेकर जो नाराज़गी है, उसे कैसे दूर किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज़। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।